वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक देश एक चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तगड़ा हमला बोला है। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने डिंडोरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए आवश्यक है। एक देश एक चुनाव होने से समय की बचत के साथ ही और भी कई सारे फायदे होंगे। INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए कुलस्ते ने कहा कि यह गठबंधन भटके और छटके हुए नेताओं के बीच का है। मध्य प्रदेश में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं के फैसले को फग्गन सिंह कुलस्ते ने उन नेताओं का निजी निर्णय बताया। ये उनका निर्णय है, इसलिए हम उनके विचार, उनके निर्णय, उनकी योजना पे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमारे नेता मोदी जी है NDA के, और पिछले 9.5-10 वर्षों से वो देश में काम कर रहे हैं। आज दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर्वमान नेता आज दुनिया और हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी से नेता, जो हमारे नेता के रूप में लीडरशिप कर रहे हैं। देखिए, ये पहले भी जुड़े, पहले भी भटके, पहले भी छटके, तो ये आज भी देखते होंगे आप लोग, ऐसे ही चलेगा। ये लोकतंत्र में आदमी कोशिश करता है, परंतु आपस में जब फूट होती है तो सब बिखरते हैं, तो इस प्रकार का है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।